हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो ब्लॉग है वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, और मैं बोल सकता हूँ आप काफ़ी इन्जॉय करने वाले हो इस ब्लॉग में। ये जो ब्लॉग है ये बैजनाथ मंदिर का ब्लॉग है, और इस ब्लॉग की जो खासियत है वो ये है कि आज मैं अपनी बाइक पर नहीं, ट्रेन में जा रहा हूँ, टॉय ट्रेन में जा रहा हूँ जो पठानकोट से बैजनाथ के लिए चलती है। बट लेकिन मैं नगरोटा बगमा स्टेशन से बैठ रहा हूँ, तो जो स्टेशन का जो व्यू मैं आपको दिखाता हूँ और जो ट्रेन का जो सफ़र है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ इसमें जो व्यू है ना, ट्रेन में जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया व्यू आते हैं। और जो ट्रेन की टिकट है नगरोटा से लेके बैजनाथ तक की, वो है 30 रुपये, बस में शायद 120 या 100 रुपया किराया लगता है। और अभी मेरी जो ट्रेन है वो आ चुकी है, ट्रेन का जो सफ़र है वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। आप सबको मैं नगरोटा से लेके बैजनाथ तक के जो सारे व्यू हैं वो दिखाऊंगा, और इसमें मैं कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं डालने वाला, क्योंकि जो ट्रेन की आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो म्यूज़िक तो मैं कोई लगाने वाला हूँ नहीं बैकग्राउंड म्यूज़िक में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और भोलेनाथ जी के मैं दर्शन भी कराऊँगा आपको बैजनाथ पहुँच के। तो मिलते हैं सीधा फिर बैजनाथ, आप ट्रेन का सफ़र का इंजॉय कीजिए।
Thank you.
हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी मैं पैदल चल रहा हूँ। बैजनाथ पपरोड़ा मैं पहुँच चुका हूँ। तो जो भी बैजनाथ के लिए दर्शन के लिए करने के लिए आते हैं, वो बैजनाथ पपरोड़ा में उतर जाएं। उसके आगे फिर वो पपरोड़ा के लिए जाती है ट्रेन। तो यहाँ से जो सफ़र है वो पैदल जाना पड़ता है। आप पैदल भी जा सकते हो, बस में भी जा सकते हो, बट लेकिन मैं पैदल जा रहा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ट्रेन का जो ट्रैक है, और मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ। आगे का जो कुछ व्यू है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं यहाँ से पैदल जा रहा हूँ, क्योंकि पपरोड़ा बैजनाथ जो रेलवे स्टेशन है उससे 1 किलोमीटर की दूरी पे है बैजनाथ का मंदिर। तो मैं पैदल जा रहा हूँ, और जो बस पे जा सकते हैं उनके लिए वो रोड है, बस में भी जा सकते हैं। बस स्टैंड भी बैजनाथ मंदिर के साथ ही है। मिलते हैं सीधा मंदिर में। अभी मैं खीरगंगा के पास पहुँच चुका हूँ। काफ़ी कुछ बदल चुका है बैजनाथ में, क्योंकि पहले खीरगंगा के पास पार्किंग नहीं होती थी, पर लेकिन अभी काफ़ी पार्किंग आपको देखने को मिलेगी। पेड पार्किंग है ये। अभी सीधा चलता हूँ मैं खीरगंगा के पास। और खीरगंगा के पास मैं पहुँच चुका हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, जहाँ से ये पानी बह रहा है इसको खीरगंगा बोलते हैं। और साथ ही में आपको मंदिर देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल मंदिर में कुछ काम चल रहा है। ये देखिए, आप खीरगंगा के दर्शन कीजिए। और ये साथ में ही आपको मंदिर देखने को मिलेगा। मंदिर के भी दर्शन मैं आपको करवा देता हूँ, माता जी के। और खीरगंगा से कुछ इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा आपके, आपको चारों तरफ का। और बरसातों में ये जो आप पानी देख रहे हैं, इसका बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। अभी चलते हैं सीधा बैजनाथ मंदिर, शिवजी जी के दर्शन करने, आपको भी करवाते हैं। ऐसे ही बने रहे मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलना। तो ये जो आप पौड़ियाँ देख रहे हैं, ये सीधा जाती हैं बैजनाथ मंदिर को, खीरगंगा से ही। तो अभी खीरगंगा का पानी पीने के बाद मैं जा रहा हूँ सीधा बैजनाथ मंदिर। काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी था। अभी मैं बैजनाथ मंदिर पहुंच चुका हूं, और बैजनाथ मंदिर से धौलाधार का व्यू कुछ इस तरह से आता है। आपको मंदिर भी दिखाता हूं मैं। तो ये है शिवजी जी का मंदिर, बैजनाथ मंदिर। अंदर चल के दर्शन करवाते हैं, अगर पॉसिबल हो सके तो। जाकर जाकर ऐसे देखो।
यहाँ से जो रास्ता है वो खीरगंगा के लिए जाता है। वैसे मैं नीचे से आया हूँ खीरगंगा से, पर लेकिन जो बस स्टैंड से आते हैं सीधा बैजनाथ मंदिर, तो यहाँ से वो खीरगंगा पैदल जा सकते हैं नीचे। ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही है, वो सामने आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपको ट्रेन की टाइमिंग बता देता हूँ। फ़िलहाल अभी दो ट्रेनें चल रही हैं, एक आती है 10 बजे के करीब नगरोटा गाँव में पहुँचती है, और कांगड़ा से वो 8:45 के करीब चलती है, और एक आती है 5 बजे, 5:30 के करीब वो कांगड़ा पहुंचती है, और नगरोटा बम उसका टाइम है 6 बजे का। तो आज जो मैंने ट्रेन ली थी बैजनाथ के लिए वो थी 10:30 की, 10:15 थोड़ा लेट हो गया था, 10:30 हो गए थे, पर लेकिन जो टाइमिंग है नगरोटा बगमा से उसकी 10:15 बजे है, और जो कांगड़ा से आते हैं उनके लिए 9:45 का टाइम है। तो जो भी बैजनाथ मंदिर के लिए दर्शन करने के लिए आ रहे हैं वो बड़े आराम से 12:30 के करीब बैजनाथ पपरोड़ा में पहुंच जाएंगे, और बैजनाथ मंदिर जी के दर्शन करने के बाद वो बड़े आराम से कांगड़ा या नगरोटा के लिए वापस हो सकते हैं, क्योंकि जो बैजनाथ पपरोड़ा से जो ट्रेन की टाइमिंग है वो 3 बजे की टाइमिंग है, तो 12:30 से लेकर 3 बजे तक बहुत टाइम होता है। तो आप बड़े आराम से दर्शन करने के बाद कांगड़ा के लिए निकल सकते हो। तो यही थी ट्रेन की टाइमिंग, फ़िलहाल अभी 2 ही ट्रेनें चल रही हैं। तो हाँ जी, मेरे दर्शन हो चुके हैं बैजनाथ मंदिर में, और आप सबके भी मैंने दर्शन करवा दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वीडियो में, सबको बाय एंड थैंक यू।